दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। काम उच्च स्तर पर हो रहा है। दुनिया भर के राम भक्त राम मंदिर उद्घाटन को लेकर उत्साह से भरे हुए हैं। लेकिन इसी बीच राम लला की नगरी से एक अनोखी घटना सामने आई है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। गिद्धराज जटायु के वंशज एवं लुप्त हो रही प्रजाति गिद्धों के समूह का अक्षात्मक अयोध्या की पुण्य भूमि पर आगमन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। दरअसल दोस्तों, राम मंदिर उद्घाटन से पहले मिल्कीपुर के जंगलों एवं ग्रामीण इलाकों में प्रकृति की सफाई कर्मी तथा विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड में ग्रामीणों को नजर आने लगे हैं। बता दें कि जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं। वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। राम कथा में प्रसंग आता है कि जटायु के भाई संपाति ने कहा था कि मेरे पंख कमजोर हैं, मगर आंख दूर की चीज देख सकती है, इसीलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठा देख रहा हूँ। वही अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्ध का अयोध्या में नजर आना लोगों को अचंभित कर रहा है। लोग इन्हें जटायु का वंशज समझकर इन्हें पूज रहे हैं। खंडासा क्षेत्र के धरोले गांव के दर्जनों लोगों ने बताया कि गांव के आसपास स्थित भागों में दर्जनों की संख्या में गिद्ध पक्षियों का झुंड दिखाई दे रहा है, जो प्रकृति के लिए अच्छी खबर है। उप प्रभागीय वन अधिकारी अयोध्या के एन सुधीर ने बताया कि यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी खबर है। देश में गिद्ध विलुप्त श्रेणी में आ गए हैं। सरकार इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। बीते वर्ष एक रिपोर्ट के अनुसार 30 साल के भीतर भारत में गिद्धों की संख्या काफी कम हो गई है। ये संख्या तकरीबन 4 करोड़ से घटकर 4 लाख पर पहुंच गई है। धरती पर उनकी बहुत जरूरत है। ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन से पहले गिद्धों का अयोध्या में नजर आना लोगों को अचंभित कर रहा है। राम मंदिर के निर्माण में नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला, देखकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने आप पर हिंदू और सनातनी होने पर बहुत ज्यादा गर्व करोगे। आखिरकार कई सालों के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है। अब लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन का भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को इंतजार है। लोग राम लला की स्थापित होने वाली मूर्तियों को देखकर झूम उठेंगे, क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मूर्ति को बनवाने के लिए देश के 3 सबसे बड़े मूर्तिकारों को बुलवाया गया है और जो भी भक्तों से ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से निहारेंगे, वो जीवन मरण के बंधक से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने लगी है। लेकिन ये मंदिर तो बनकर भले ही तैयार क्यों ना हो गया हो, लेकिन इसके निर्माण के समय कई ऐसे चमत्कार हुए जिसे देखकर कई लोग दंग रह गए। यहाँ तक कि इन चीजों को देखकर नासा के वैज्ञानिकों ने तो अपना सर ही पकड़ लिया, और तो और वो एक ऐसी गहरी सोच में पड़ गए कि मानो उन्होंने कोई भयानक चीज देख ली हो। आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के बनते वक्त हुए उन चमत्कारों और रहस्यमयी चीजों के बारे में आपको बताएंगे, जिसे सुनकर शायद आप भी यकीन ना कर पाओ। लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और साथ ही आपसे एक और छोटी सी गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जब यहाँ मंदिर निर्माण का काम चल रहा था, तब एक 1200 खंभों की ड्राइंग तैयार करवाई गई और अमेरिका से एक विशिष्ट वैज्ञानिकों की टीम को बुलवाया गया, ताकि वो इसका निरीक्षण करके होने वाले हर एक कमियों को दूर कर सके और राम मंदिर की शान में 4 चांद लगा दे। जैसे कि राम मंदिर के निर्माण के वक्त वहां की धरती को खोदा गया, तब उस धरती से एक ऐसी वस्तु निकली कि उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। और उस चमत्कारी और दिव्य वस्तु ने ना सिर्फ उन वैज्ञानिकों के होश उड़ाए बल्कि भारत सरकार को भी हिला कर रख दिया, जिसके तुरंत बाद एक कमेटी बनाई गई और जिसकी जांच के लिए लगा दी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो सभी भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। दरअसल ये बात है राम मंदिर के निर्माण के समय की, जब अमेरिका से थॉमस नाम के एक वैज्ञानिक
भारत में राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरे पर आए हुए थे। यहां आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो काफी चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना रूटीन काम फिर से करना शुरू कर दिया। अपने काम करने के दौरान जैसे ही उनकी नजर मंदिर परिसर की तरफ गई तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जहाँ पर धरती नरम पड़ी हुई थी। देखने में वो धरती बांह की जगह से पूरी अलग ही थी। थॉमस को अपनी अंतरात्मा से कुछ अलग सी प्रेरणा मिलने लगी और तुरंत थॉमस ने अपने मजदूरों को वहां से खुदाई करने को बोल दिया। एक बार के लिए तो मजदूर भी हैरान हो गए कि ऐसी धरती की वो खुदाई क्यों करवा रहे हैं, लेकिन मजदूरों को तो उनका ऑर्डर मानना ही था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सवाल किए खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही वहां पर खुदाई शुरू हुई, कुछ ही देर बाद उस धरती से पानी का प्रवाह शुरू हो गया। उस बहते हुए पानी को देख खुदाई करने वाले मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन जब इस पानी का सर्वेक्षण किया तो पता चला कि ये पानी तो पास ही में बह रही सरयू नदी का पानी है। वो लोग ये समझ नहीं पाए कि ये माता सरयू का आशीर्वाद है कि वो खुद राम मंदिर के निर्माण में सहयोग कर रही थी। इस पानी ने सभी वैज्ञानिकों को एक गहरी सोच में धकेल दिया। वो ये सोच में लग गए कि अगर ऐसे ही पानी निकलता रहा तो यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक पानी वाली सतह पर मजबूत मंदिर बनवाना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी। उस समय सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि सरयू नदी का मंदिर की भूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या फिर कोई कुदरत का करिश्मा, ये कोई भी नहीं जानता था। आखिरकार जब कोई भी समाधान नहीं मिला तब सभी मिलकर श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी जब तक वो माता सरयू के पानी की धारा बंद नहीं होगी तब तक आगे का काम शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन अगले ही दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली और माता सरयू का पानी बंद हो गया और एक बार फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया। और ये काम इस कदर चला कि अब ये अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, या यूं कहें कि ये पूरा तैयार हो गया है। और 22 जनवरी को यहाँ श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। ये मंदिर इतना भव्य है कि इसे देखने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनवाया है, ताकि देश और दुनिया के लोग सीधे ही यहाँ आ सके और इसे देख सके। ये मंदिर तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जब पुराने समय में यहाँ पर राम मंदिर था वो कैसा दिखता था, जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। उस राम मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया था, क्योंकि ये रहस्य आज तक सीमित लोगों को ही पता है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो चलिए आज मैं आपको इसका पूरा रहस्य इस वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं। दोस्तों उस समय भगवान राम की नगरी अयोध्या को किसने बनवाया था? ये पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे राम जन्म भूमि भी कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर है, हालांकि यहां खुदाई के वक्त आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे गए, जिनमें खंभों से लेकर कई हिंदू आकृतियां बनी हुई थी। अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम की जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सा हो गया था, लेकिन उसकी जन्म भूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पूर्ण राजधानी अयोध्या का पूर्ण निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राजा बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद ये
उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेत करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वो अपनी सेना के साथ बैठ गए। कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरम्भ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें महसूस हुआ कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कुब सरोवर महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्म भूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त होता है जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञों किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेख से झांट होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जबकि ये एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु फायान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन्थ संगा आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्त शिलालेख को उखाड़ कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांतियों का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारी की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझवातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को ये भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी। लेकिन करूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। लेकिन अंत में बाबरी मस्जिद का भी विध्वंस कर दिया गया और इस जमीन पर कई सालों तक केस भी चलता रहा और अंत में ये जमीन हिंदुओं को सौंप दी गई, जिस पर आज श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।